हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग एसएमएस इंडिया यूट्यूब चैनल. और आज हम बात करने वाले हैं एक सवाल के ऊपर. मेरे को एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि आप अपने किसी क्लाइंट के लिए किस तरीके से सोशल मीडिया स्ट्रेटजी बनाती है. तो मैं आज उसके ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ. और अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और अगर आप फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपने क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया के लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जो मैं या जो हमारी कंपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करती है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ. आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं. एंड अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड देखते हैं कि हमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए सोशल मीडिया के लिए. तो मैंने एक PPT बनाई है. मैं इस PPT पे आ गया. यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टाइप्स. तो अलग अलग मीडिया है यू नो एडवर्टाइजमेंट के लिए. तो हम आज बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के लिए, के ऊपर कैसे हम सोशल मीडिया के लिए आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं. ओके, तो बेसिक ऑफ क्रिएटिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, मैं उस स्लाइड पे आ गया हूँ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि कैसे हम हमारे सोशल मीडिया के लिए या हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए सोशल मीडिया के लिए हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करके सेल्स, बिजनेस या अलग अलग जो भी टारगेट है या जो भी गोल है, हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस चीज़ को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया. पहला है कि टारगेट कौन, आप क्या आपका टारगेट है. दूसरा, रीच, किसके किस पर्टिकुलर यू नो चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं. देन किस मीडियम से, किस चैनल के थ्रू आप उसको अचीव करना चाहते हैं. फोर्थ इज़ इंगेजमेंट. ओके, तो ये चार चीज़ों में डिवाइडेड है, टारगेट, रीच, चैनल्स एंड इंगेजमेंट. सो अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मेरे को मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है. ओके, तो दिस इज़ वन थिंग. सेकंड, मेरे को टारगेट जो है मेरा ट्रैफिक का, वो कहाँ से लाना है. क्या मेरे को अपना सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी ऐसी बनाना है कि मेरे को अपने जो पुराने क्लाइंट है उन्हीं को अपनी यू नो एड्स आना चाहिए, दिखाना चाहिए या दिखाना चाहता हूँ मैं, तो वो गलत है. तो इसमें आपको समझना होगा कि अगर आपका ट्रैफिक है तो डेफिनेटली आपको नए क्लाइंट से ही ट्रैफिक लाना है. तो न्यू मार्केट से आप ट्रैफिक लाएंगे. देन यू नीड टू चूज़ किस चैनल से आपको ट्रैफिक लाना, फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, कहाँ से लाना है. एंड इसके बाद आपको किस तरीके की इंगेजमेंट करना है, मतलब आप किस तरीके के ऐड रन करेंगे. क्या आप वीडियो ऐड रन करेंगे, क्या आप फोटो या ग्राफिक्स शो करेंगे, या कोई सर्वे करना चाहते हैं, या क्राउजल काइंड ऑफ एड्स आप रन करना चाहते हैं. तो ये आपको सोचना होगा. तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस के लिए मेरा एक आज का टारगेट या मेरा 15 दिन का टारगेट है सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं लीड जनरेट करूँगा. नए मार्केट से लीड जनरेट करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि फेसबुक से मैं लीड जनरेट करूँ और मैं वीडियो एड के थ्रू एड रन में लीड जनरेट करूँ. तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी हो सकती है. तो ऐसे आप भी अपने क्लाइंट्स के लिए या आप खुद के बिजनेस के लिए इस तरीके से सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं. आपको पहले चूज़ करना होगा आपका टारगेट क्या है. आपको वीडियो व्यू चाहिए, आपको रीच चाहिए, लीड जनरेट करना चाहते हैं, ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, आप पुराने क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, नए क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हैं उनको टारगेट करना चाहते हैं, आप फेसबुक पर रन करना चाहते हैं, इंस्टा पर चाहते हैं, इंस्टेट वगैरह पर चाहते हैं, वो आपको चूज़ करना है. देन किस तरीके की इंगेजमेंट आप करना चाहते हैं. आपको फोटो एड्स के थ्रू इंगेजमेंट करना है, ग्राफिक्स के थ्रू इंगेजमेंट करना है, वीडियो एड्स के थ्रू इंगेजमेंट करना है, सर्वे के थ्रू इंगेजमेंट करना है और क्राउजल के थ्रू इंगेजमेंट करना है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम सोशल मीडिया यू नो स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो यहाँ पर मैंने अगर एक एग्जाम्पल बनाया है कि मेरे को एक टारगेट है कि मेरे को मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है. एंड देन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो अप्रोच है, जो रीच है, वो मेरी न्यू मार्केट में मेरे को रीच करना है. उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं फेसबुक के थ्रू न्यू मार्केट को अप्रोच करूँ. और जब मैं फेसबुक अगर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्राउजल एड रन करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाऊँ या अपने बिजनेस के लिए ट्रैफिक लेके आऊँ. सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे आप अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए सोशल मीडिया स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप यू नो उनको उनका जो भी गोल है या जो भी टारगेट है उसको आप अचीव करने में मदद कर सकते हैं. सो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.